डॉक्टर अमनदीप कौर है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर आईसीयू कंसल्टेंट डीएमसी में हूँ। और मेरा ये शौक था पेजेंट में पार्टिसिपेट करने का। टॉप 5 फाइनलिस्ट में आई हूँ और मुझे पहले तो यकीन नहीं आया था। वही कि अगर आप पैशन अपना फॉलो करते हो, इंजॉय करते हो, तो आप सक्सीड भी करते हो जी। अप्लाई किया, आफ्टर मल्टीपल इंटरव्यूज़ मैं सेलेक्ट हो गई थी फाइनलिस्ट में। और सेलेक्ट होने के बाद फिनाले था गुड़गांव में, जिसमें कि मैं टॉप 5 फाइनलिस्ट में आई हूँ। और मुझे पहले तो यकीन नहीं आया था, बट इफ़ यू फॉलो योर ड्रीम्स यू कैन अचीव एनीथिंग। बिल्कुल, आपने ही इस पेजेंट में पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद अगर बात की जाती है डॉक्टर प्रोफेशन की, तो बहुत डिफरेंस है इस दोनों प्रोफेशन में। कैसे मैनेज करते हो ये लाइफ? वही कि अगर आप पैशन अपना फॉलो करते हो, इन्जॉय करते हो, तो आप सक्सीड भी करते हो जी। तो इट वॉज़ डिफ़िकल्ट, बट विद हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन आई थिंक वन कैन अचीव एनीथिंग। मैम, फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करती है इन चीज़ों में। हाँ, तो बिल्कुल। आपके साथ वो कैसा रहा कि फैमिली सपोर्ट होगी तभी आप किसी चीज़ में? बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली 100% फैमिली सपोर्ट थी जिससे मैं आगे बढ़ सके। अदरवाइज अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था जी। और जब आपने पार्टिसिपेशन के बारे में सोचा, और उसके बाद कभी सोचा था कि इस लेवल तक पहुंचोगे और आपको इतने सारे टैग्स मिलेंगे? क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि प्रोफेशन के बिल्कुल डिफरेंस जाके काम करना। एक्चुअली शुरू में तो मैं इतनी सीरियस नहीं थी, मैंने जस्ट अप्लाई कर दिया था। बट विद पासिंग टाइम इसकी सीरियसनेस का पता चला और फिर मेहनत करनी शुरू की, और मुझे लगता है फिर मेहनत हमारी कामयाब हुई जी। एंड देन आई एम हेयर इन टॉप 5। जब आपको ये टैग्स मिले थे तो कैसा रिएक्शन था आपका और फैमिली का कैसा? क्योंकि बात की जाती है कि पार्टिसिपेशन तो कर ली, बट उसके बाद आपको ये टैग्स भी मिलने शुरू हो गए, और जो होता ना फैमिली सपोर्ट, उनका रिएक्शन, उनकी सपोर्ट कैसे रही थी फिर उसके बाद? हाँ, वहीं पे ही मेरी फैमिली फिनाले में सब पूरी फैमिली मौजूद थी, और उन्होंने इतना ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंट कर दिया अपनी सपोर्ट के साथ कि मैं आज फिर जीत गई फाइनली। लेडीज़ के लिए क्या मैसेज है? क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि अपने पैशन को फॉलो किया है बीइंग अ प्रोफेशनल डॉक्टर, उसके बाद भी अपने पैशन को फॉलो किया, उनके लिए क्या मैसेज है जो अभी भी शायद सोच रहे होंगे कि आपके जैसा कुछ करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अगर आप कुछ सोच रहे हो, बेशक आप अपनी फैमिली को देखते हो, सब अपनी फैमिली को देखते हैं, बट अगर आप कुछ थोड़ा सा भी है तो मुझे लगता है कि यही टाइम है कि आप अपने पैशन को फॉलो करो। जी जी जी। आगे भी कोई प्लानिंग है आपकी किसी और चीज़ में पार्टिसिपेट करने की? अभी तक तो नहीं। अभी आप थोड़ा सोचोगे इसके बारे में? हाँ, अभी सोचूंगी। अभी अगर मौका मिला तो आगे दोबारा देखेंगे कैसे अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जी। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई तो डेफिनेटली आई विल फॉलो जी।